दोस्तों, मैं डॉक्टर त्रिपाठी और इनडेफिनेट इंटीग्रल का एक बहुत ही शानदार सवाल हम इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। 1/sin x होल टू द पावर 6 + cos x टू द पावर 6। तो इस इंटीग्रेशन को करने के लिए आपको cos x टू द पावर 6 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिवाइड करने होंगे। तो ये हो जाएगा 1/cos x होल टू द पावर 6 / sin x होल टू द पावर 6 / cos x होल टू द पावर 6 + cos x होल टू द पावर 6 / cos x होल टू द पावर 6। ऊपर हो जाएगा आपके पास sec x होल टू द पावर 6 अपॉन tan x होल टू द पावर 6 प्लस 1 dx। अब लिख सकेंगे आप इसे, sec x टू द पावर 6 को आप लिखिए sec स्क्वायर x होल स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर x अपॉन tan x टू द पावर 6 tan स्क्वायर x होल क्यूब प्लस 1 dx। sec स्क्वायर x जो न्यूमरेटर का sec स्क्वायर x है उसको लिख दें आप 1 + tan² x होल स्क्वायर sec² x / tan² x होल क्यूब + 1 dx। t इज इक्वल टू, सब्स्टिट्यूट करें tan x, तो dt/dx हो जाएगा sec स्क्वायर x। dt इज इक्वल टू sec स्क्वायर x dx। तो sec स्क्वायर x dx को आप लिख सकेंगे dt। तो इंटीग्रल क्या होगा आपका? इंटीग्रल होगा, मान लें कि इंटीग्रल को i है, दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू i, देयरफॉर i इज इक्वल टू हो जाएगा 1 + t² होल स्क्वायर, sec स्क्वायर x dx कैन बी रिप्लेस बाय dt अपॉन t² होल क्यूब + 1 क्यूब, जिसको आप लिख पाएंगे 1 + t² होल स्क्वायर और नीचे a³ + b³ t² + 1 t² होल स्क्वायर - t² × 1 + 1² dt। t² + 1 t² + 1 कैंसिल। a³ + b³ का जो फॉर्मूला यूज़ किया है वो फॉर्मूला होपफुली आपको आता होगा, वरना ये फॉर्मूला है a³ + b³ a + b² - ab + b² या a² + b² - ab भी लिख सकते हैं आप। तो ये हो जाएगा आपका t² + 1 / t²⁴ - t²⁴। ये बहुत इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल बन गया है, अगर आपको याद हो तो। ये इंटीग्रल लगभग इस टाइप का इंटीग्रल है जो आपने इंटीग्रल देखा हो। मैंने इस टाइप के इंटीग्रल किए x²⁴ + 1 वाले, इस टाइप के इंटीग्रल आप मेरा वीडियो देखिएगा, √10x का इंटीग्रल किया है मैंने, और इस टाइप के कई इंटीग्रल्स उसके अंदर शामिल हैं। अब आप इसको t² से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, ये 1 + 1/t² / 1 + 1/t² dt इज इक्वल टू 1 + 1/t² dt। और नीचे t - 1/t का होल स्क्वायर बनाएंगे ताकि उसका ये डेरिवेटिव है, तो t² + 1/t² - 2 × t × 1/t। मतलब क्या है ये, 2 × देखिए आप, t
टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बेसिकली क्या हुआ, माइनस टू। तो माइनस टू है तो मुझे प्लस टू भी करना पड़ेगा, और ये माइनस वन यहाँ लिख दिया मैंने माइनस वन। तो इंटीग्रल क्या बन गया आपका, इंटीग्रल आपका हो गया I इज इक्वल टू वन प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर डी टी होल अपॉन टी माइनस वन बाई टी होल स्क्वायर प्लस टू माइनस वन इज वन विच कैन बी रिटन एज वन स्क्वायर टी माइनस वन बाई टू टी को u ले ले, यहाँ लिख दिया u डी यू बाई डी टी इज इक्वल टू डी यू बाई डी टी इज इक्वल टू t का डेरिवेटिव 1 माइनस 1 बाय t का 1 बाय t स्क्वायर। ये याद रखें आप, डी डी एक्स ऑफ 1 अपॉन x टू द पावर m का डेरिवेटिव डायरेक्ट लिखना सीखें, माइनस m अपॉन x टू द पावर m प्लस 1। ये कंसेप्ट ये इसमें लगाया, t टू द पावर 1 है तो ये हो जाएगा माइनस 1, तो वो माइनस 1 और ये माइनस प्लस और अपॉन में 1 प्लस 1। और आप चेक कर लें देख के कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो डी यू का वैल्यू हो गया 1 प्लस 1 बाय टी स्क्वायर डी टी। ये इंटीग्रल एक गाइडलाइन की तरह है आपको, जो कई तरह से आपकी मदद करेगा। फिर इस पे बेस्ड भी मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा जिस पे आप अपना दिमाग खर्च करके नया कुछ कर पाएंगे। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा वो डी टी से रिप्लेस, डी यू से रिप्लेस करेंगे, ये देखिए ये रिप्लेस कर सकते हो आप डी यू से, डी यू अपॉन यू स्क्वायर प्लस वन। ये फॉर्मूला लगेगा वन अपॉन वन टेन इनवर्स यू अपॉन वन, या डायरेक्ट टेन इनवर्स यू प्लस सी। कौन सा फॉर्मूला लगाया, वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स u का वैल्यू, u इज वॉट t माइनस वन बाय टी, अपॉन में वन है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप t का वैल्यू रख दें तो ये जाएगा tan इनवर्स t, आपने देखा होगा हमने लिया था t को tan x, तो माइनस, अब आप चाहें तो एलसीएम भी ले लें। तो ये था दोस्तों इस इंटीग्रल का, जो बहुत ही ज़बरदस्त इंटीग्रल इसका आंसर। और मैं आपको एडवाइस करता हूं कि क्या आपका इंटीग्रल, कौन सा इंटीग्रल, वन अपॉन साइन एक्स टू द पावर फोर प्लस कॉस एक्स टू द पावर फोर डीएक्स, ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट इंटीग्रल, ये आप इसी मेथड से ट्राई करें, और ट्राई करने के बाद आप अपना रिस्पांस मुझे दें। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। तो मेरे दोस्तों, और कोई दिक्कत हो तो मुझे व्हाट्सअप करें, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 72। आगे तक पहुंचा दें चैनल को, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके। ऑल द बेस्ट।